नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। समाज में फैली कुरीतियों की जब बात आती है तो उनमें से एक बहुत बड़ी कुरीति ये सामने आती है कि अब भी हम बाल विवाह पर चिपके हुए हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, इसके दावे तो हम जरूर करते हैं, चांद पर हम पहुंच गए ये हम सब जानते हैं, दुनिया में ढिंढोरा भी पीटते हैं, लेकिन बाल विवाह कब थमेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सरकार ने बहुत पैसे खर्च किए, बहुत सारे कैंपेन्स चलाए, अलग अलग विभागों ने इसको लेकर अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए बहुत सारे कैंपेन्स चलाए, लेकिन अब भी 18 साल से कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है। और दुनिया भर के बाल विवाह का अगर कैलकुलेशन करें तो उसमें से 40% इंडिया में होता है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कैसा अजब ये नियम बना दिया, कोमल फूलों को रिवाज तले मुरझा दिया, जिन्हें जीवन क्या है मालूम नहीं, रिश्ते जिन्हें मालूम नहीं, अपना पराया मालूम नहीं, ऐसे नाजुक कंधों पर शादी का बोझ डाल दिया। कर्णिका पाठक, कवि। शादी के विषय पर हमारे देश में ही दो देश नजर आते हैं। एक तरफ जहां शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए लोग बड़ी परिपक्वता के साथ फैसले लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नन्ही जानू को एक अटूट रिश्ते में वक्त से पहले ही जबरन बांध देते हैं। यमुनानगर के नाहरपुर गांव से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां 17 साल की एक नाबालिग लड़की की जबरन शादी करवाई जा रही थी, लेकिन चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन अधिकारियों की मुस्तैदी से ये हो न सका। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है? हम इसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेंगे, इंजेक्शन ऑर्डर, शादी रुकवाने के लिए। लड़की की उम्र कितनी है? नाबालिगा मैम। लड़की की उम्र कितनी है? 5/12/1998 का जन्म। कितना टाइम छोटी? अभी 11 महीने छोटी। भले ही ये बाल विवाह न हो सका, लेकिन इससे हमारे समाज की कुरीति जग जाहिर हो गई। हालांकि बाल विवाह को रोकने के लिए कड़े कानून भी बनाए गए हैं। बाल विवाह रोकने के लिए कानून, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। लेकिन बावजूद इसके हमारे समाज में आज भी बाल विवाह हो रहे हैं, जिसका जिम्मेदार भी कोई न कोई हमारे समाज से ही नजर आता है। यमुनानगर से हरीश कोहली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बाल विवाह पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाए कैसे परेशान है भारत में लोग, क्योंकि इसकी वजह से हमारे समाज को न सिर्फ एक बुराई का सामना करना पड़ रहा है बल्कि बहुत सारी मुसीबतें और भी हैं। भारत में, दुनिया भर में करीब 40% जो बाल विवाह होता है वो इंडिया में होता है। 49% लड़कियों का विवाह 18 साल से कम उम्र में कर दिया जाता है। लिंगभेद और अशिक्षा का भी एक बड़ा कारण यूनिसेफ ने बताया है कि इस बाल विवाह को एक बड़ा कारण माना जा सकता है उसके लिए। साथ ही साथ राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है बाल विवाह की। अगर हम बात करें तो यूनिसेफ के अनुसार राजस्थान में 82% विवाह 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की कर दी जाती है। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा डराता है, राजस्थान के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी ये बहुत डरावने और शर्मनाक आंकड़े हैं। आगे बढ़ेंगे। 1978 में संसद द्वारा बाल विवाह निवारण कानून जो है वो पारित किया गया था, लेकिन असर क्या हुआ वो अभी ये आंकड़े जो हम साझा कर रहे हैं वो आंकड़े आपको बयां कर रहे हैं। साथ ही साथ लड़कों की आयु को 21 वर्ष किया गया था, लेकिन सब चीजों के बावजूद, इन तमाम कानूनी पचड़ों के बावजूद अब तक ये स्थिति नहीं सुधरी। कानून क्या कहता है वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर इस कानून से क्या कुछ अंतर आया है, क्या कुछ बदलाव आया है।
1978 में आपको जैसा मैंने बताया कि 1978 में ये कानून संसद द्वारा बाल विवाह निवारण कानून पारित किया गया। उसमें लड़कियों की एज 18 यानी कि 18 साल न्यूनतम निर्धारित की गई, लड़कों की एज को बढ़ा जो है 21 कर दिया गया। उसके बावजूद अब तक परिस्थितियां नहीं बदली हैं। नेशनल प्लान फॉर चिल्ड्रन 2005 से 2010 तक ये रखा गया लक्ष्य कि पूरी तरह से बाल विवाह खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है, परिस्थितियां नहीं बदल पाई हैं। तो ऐसे में बहुत सारे आंकड़े हैं और इन आंकड़ों में जब आप झांकते हैं तो बहुत शर्म आती है। चलिए, कुप्रभाव क्या है एक बार वो चर्चा कर ले, फिर हम अपने मेहमानों के पास आगे बढ़ेंगे। बाल विवाह के कुप्रभाव क्या हो सकते हैं? कम उम्र में आप जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, गर्भधारण करने की वजह से प्रॉब्लम आते हैं, समय से पहले प्रसव की अधिक घटनाएं होती हैं सामने, माताओं में मृत्यु दर जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि फिजिकली वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती है वो लड़की कि वो प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसकी बॉडी उसको झेल पाए, इसलिए बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ जाती है। शिशु मृत्यु दर और अस्वस्थता दर भी, क्योंकि जब कम एज में माँ बनती है तो लड़कियों की बीमारी की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा भी है। बच्चों के अवैध व्यापार और लड़कियों में बिक्री की वृद्धि हो जाती है, इससे घरेलू हिंसा और लिंग आधारित हिंसा, बच्चों द्वारा पढ़ाई छोड़ने की घटनाओं में भी वृद्धि हो जाती है। भाई कम उम्र में शादी हो गई तो भाई बीवी को संभाले या पढ़ाई करें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रवेश शर्मा जी समाज सेवी हैं और राकेश जी हमारे साथ हैं अधिवक्ता। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और प्रवेश जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले प्रवेश जी आपके पास आना चाहूँगा, मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप समाज सेवी हैं, समाज को बहुत करीब से देख रहे हैं, क्यों आपको लगता है, बेसिक रीजंस क्या है, कारण क्या है, क्यों नहीं रुक रहे हैं बाल विवाह? सर वैसे तो बड़ी शर्मिंदगी वाली घटना ये है जो आज हम देख रहे हैं, यमुनानगर में ऐसा हुआ। बाकी होने का कारण सबसे पहले तो जागरूकता की कमी है और शिक्षा का अभाव है। जागरूकता कमी है, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं उसके बाद भी देख रहे हैं कि ये जो घटना रुक नहीं रही है जी। और इसमें नुकसान सिर्फ लड़की का नहीं, लड़के दोनों बाल विवाह में दोनों ही आते हैं, दोनों का ही नुकसान है। ना तो बच्चे के अंदर कोई मैच्योरिटी होती है कि वो परिवार को आगे संभाल सके, ना लड़के के अंदर होती है, दोनों में ही ये कमी होती है। और ये जो कमी आ रही है हमारी असली तो शिक्षा के अभाव से आ रही है। शिक्षा का हम प्रचार तो बहुत कर रहे हैं पर शिक्षा अभी तक भी लोगों के अंदर पहुंच नहीं पा रही है। चौधरी जी एक बात बताइए कि आप एडवोकेट हैं, नियम कानून के जरिए हम बहुत कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं समाज में, कानून क्या कहता है कि बाल विवाह में इंडल्ज होने वाले फैमिलीज के खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? देखिए इसमें फैमिली के खिलाफ ये एक्शन है कि इसमें पनिशमेंट है, पनिशमेंट 2 साल की सजा है, 1,00,000 तक का जुर्माना हो सकता है दोनों ही पक्षों, दोनों ही, ठीक है। दूसरी बात, जहां तक की समाज की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट ने बाल विवाह रोकने के लिए चाइल्ड वेलफेयर जो ऑफिसर है या चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर है उसको अपॉइंटमेंट कर रखा है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। वो जो ऑफिसर हैं वो देखते हैं कि कहीं पे चाइल्ड मैरिज या इस तरह की घटनाएं ना हो, तो वो समाज में गाँव में सरपंच है, मेंबर पंचायत है या और काउंसलर्स वगैरह हैं, उनसे मिलके उनको अपॉइंट कर देते हैं सब उसमें, और उस जो ऑफिसर है वो एक्ट के सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1 है जिसमें कि ये उसको पावर होती है, तो इसको देखने के लिए और रोकने के लिए उसको लगाया हुआ। अगर कहीं मैरिज होती है तो वो वहां से एविडेंस कलेक्ट करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद में कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में वो अगर इस तरह की एप्लीकेशन वगैरह लगाते हैं तो इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट एंड जो सेशन कोर्ट होती है, डायरेक्ट लोअर कोर्ट नहीं हमारी, डिस्ट्रिक्ट एंड जो सेशन कोर्ट होती है वो ही इस मामले को जो देखती है। अगर इसमें कहीं स्टे या कोई डिग्री पास होती है कि इस तरह की कि भाई ये मैरिज जो है ये रुकनी चाहिए, उसके बाद भी होती है तो वो मैरिज नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दी जाएगी बाद में भी। आपको लगता है इन कानूनों को और ज्यादा कड़ा करने की जरूरत है या फिर इन्हीं कानूनों को एग्जीक्यूट ज्यादा प्रॉपर तरीके से किया जाए, ये ज्यादा जरूरी है? सर इम्प्लीमेंट किसी कानून का बहुत जरूरी होता है, कानून को कड़ा करना नहीं होता, कानून को इम्प्लीमेंट अगर आप सरकार जो कानून को अगर इम्प्लीमेंट करा दें तो उससे मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि जहां तक शर्मा जी ने बताया कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा उसको इस तरीके से लागू किया जाना चाहिए, जो समाज है हमारा उसमें जब एजुकेशन आएगी तो इस तरह की चीजें अपने आप रुक जाएंगी। लोगों के ऊपर है, आज कहीं ना कहीं बाल विवाह उस लेवल जो आज से 20 या 30 साल पहले जो स्थिति थी हमारे समाज की
वो स्थिति आज नहीं है। आज अगर उस टाइम पे अगर 50% होते थे तो आज मेरे ख्याल से 1-2% ही मात्रा में हमारे हरियाणा में, तो जो मैं कहूंगा राजस्थान में तो अब भी होंगे काफी मात्रा में। को इनवाइट करने वाला स्टेप होता है कि बहुत सारी परेशानियां, सामाजिक परेशानियां, आर्थिक परेशानियां, शारीरिक रूप से कष्ट जो है वो परेशानियां होती है, इन सबको क्या हम बताने में, हम प्रवेश जी, क्या हमारी सरकार और हमारा सिस्टम इन सब चीजों को कन्वे कर पाने में अब तक असफल रहा है? कैंपेन सिर्फ फाइलों तक सिमट कर रह गए, या आप मानते हैं कि कारगर तो हुआ है लेकिन और ज्यादा कारगर होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने सबसे पहले कहा था कि सबसे जो जागरूकता की कमी है, जागरूकता दोनों चीजों में, एक बच्चों की एजुकेशन के लिए और उनकी शादी ना हो इसके लिए, और तीसरी बात ये आती है कि जो चाइल्ड हेल्पलाइन जैसे है और उसमें सब जगह अपॉइंट किए हुए हैं ऑफिसर, पर इसमें भी जागरूकता की कमी ये आती है कि जैसे हर जगह हम देखते हैं महिला हेल्पलाइन आपको हर जगह मिल जाएगी, पीसीआर नंबर आपको हर जगह, ऐसे चाइल्ड हेल्पलाइन आपको कहीं पे भी नंबर भी लिखा नहीं पाता है। अच्छा। और ना उसके बारे में जागरूक करा जाता है। अब ये कहीं पे भी मान लो मेवात में कहीं शादी होती है, कहीं हमारे और भी परदेश में या देश में कहीं पे भी शादी होती है, जब आसपास के लोगों को यही नहीं पता होगा कि हमें करना क्या है, तो उसके बारे में हम प्रशासन को जानकारी कैसे दे पाएंगे? तो सबसे ज्यादा तो जागरूक करना है समाज को, इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। सरकार की तरफ से जो कैंपेन चलाए जाते हैं, क्या आपको लगता है कि अब सरकार इसको लेकर, पिछले कुछ साल पहले तक तो एक्टिव थी लेकिन अब इस चीज को लेकर एक्टिव उतनी नहीं है सरकार? नहीं सर, सरकार तो फिलहाल इन चीजों के लिए एक्टिव है नहीं, ना तो महिला सुरक्षा के लिए इस वक्त एक्टिव है, ना चाइल्ड हेल्थ किसके लिए, चाइल्ड के लिए तो बिल्कुल ही थोड़ा बहुत अभियान चला देते हैं कभी कुछ बच्चों के लिए, बाकी फिलहाल सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। सरकार के तो मुद्दे ही कोई दूसरे हैं इस वक्त, हिंदुत्व के मुद्दे हैं और अलग अलग तरह के मुद्दे सरकार उठा रही है, बाकी ये जो मुद्दे हैं जो हमारे समाज के अंदर बहुत जरूरी मुद्दे हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की तरक्की के लिए, वो मुद्दे समाज सरकार भूल चुकी है। ठीक है, अब सर राकेश जी आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उससे पहले इसी पे मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं अंजू वाजपेयी जी, बाल संरक्षण अधिकारी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। अंजू जी स्वागत है आपका। जी मैम, क्यों है ऐसा कि इतने कानूनों के बावजूद, इतने जागरूकता के दावों के बावजूद, पढ़े लिखे होने का दावा करने के बावजूद, 21वीं 22वीं सदी तक पहुंच जाने की बातों के बीच भी बाल विवाह नहीं रुक रहा है? मुझे लगता है कि अभी भी लड़कियों की सुरक्षा को लेके माँ बाप बहुत आशंकित हैं। अभी भी लोगों को लगता है कि जितनी जल्दी हो सके हम इस बोझ को अपने ऊपर से उतार दें, और इसमें समाज का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी पिछले दिनों में हम लोग गए एक जगह शादी रुकवाने के लिए, तो वो बैंक्वेट वाले को मालूम ही नहीं है कि मैं अपना जब हॉल बुक करता हूँ तो मुझे उनके बर्थ सर्टिफिकेट मांगने हैं। अच्छा। या पंडित जी को ये मालूम ही नहीं है कि मुझे उनके बर्थ सर्टिफिकेट मांगने हैं। ये यमुनानगर के नाहरपुर में जो बारात आई और खाली हाथ उसको लौटना पड़ गया बिना दुल्हन के, इस मामले की जानकारी है क्या आपको? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ये क्या हुआ था इसमें? नहीं, उसमें मैं बता रही हूँ ना कि कुछ तो कास्ट, कुछ ऐसी कास्ट में है जिसमें ये बहुत नॉर्मल मानते हैं कि छोटी उम्र में, गांव में अभी भी बहुत नॉर्मल मानते हैं कि 14 साल की लड़की भी उसकी शादी कर दीजिए। दूसरा, माँ बाप बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़े आशंकित है कि बच्ची अच्छा तो इन दोनों परिवारों के खिलाफ क्या कोई कानूनी एक्शन होगा? हाँ बिल्कुल होगा, वो तो नेचुरल होगा, वो तो जरूर होगा, वो जब कभी भी ऐसे कोई इंसिडेंट आया है उसमें क्या कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई होगी उसमें? लड़के और लड़की के दोनों के माँ बाप अरेस्ट होंगे। अच्छा, क्या पहले इन्वेस्टिगेशन होगा फिर अरेस्टिंग होगी, या ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये तो सब कुछ सामने ही है? नहीं नहीं, कई बार क्या होता है कि एक आदमी ने फटाफट फोन किया, हाँ। और उस वक्त ये होता है कि पहले शादी रुकवाई जाए, हाँ। क्योंकि जब ऐसा कोई पुलिस टीम पहुंचती है या हम लोगों की चाइल्ड लाइन की या चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम पहुंचती है, हाँ। तो लोग फटाफट इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो उस वक्त ये होता है कि ये फेरे नहीं हो पाए या ये सेरेमनीज नहीं हो पाए। जब तक अपन सेरेमनीज रुकवाने की बात करते हैं तब तक जो उनके जिनको होता है अरेस्ट होने की आशंका होती है वो भाग निकलते हैं वहां से, भाग निकलते हैं। तो मतलब इस केस में भी लोग फरार हैं, आप ये कह रही हैं? आवाज आ रही है अंजू जी आपको? हाँ, मैं बहुत कम सुन पा रही हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं कि इस केस में भी लोग फरार हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करेंगे कि आप जो दावा कर रही हैं कि इनकी गिरफ्तारी होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी वो बहुत जल्द पूरी हो जाए। राकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं,
सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो जो हमारा जो चाइल्ड प्रोहिबिशन मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 4, 5 और 13 के अंदर फुली पावर है और उसका जो काम है वो यही है कि लोगों तक अवेयरनेस फैलाना। सरकार ने उनको काम दिया अवेयरनेस फैलाओ समाज के अंदर जाओ, लेकिन हमारे जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं वो ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हैं और अपनी फाइलें पूरे करते हैं, बस वो कहीं गाँव में या कभी जाके गाँव में कभी मीटिंग नहीं करते, लोगों में कोई कैंप नहीं लगाते। तो इस वजह से मैं पहले कह रहा था कि कानून को जब इम्प्लीमेंट जो करेंगे अगर हम तो ज्यादा फायदा होगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही उस कानून की जो बनाया हुआ है। कानून है लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में, उनको जमीन पर उतारने में कमी है, उनके क्रियान्वयन में कमी है और इसी वजह से बाल विवाह के जो आंकड़े यूनिसेफ के भी हैं वो काफी डरावने हैं और शर्मनाक करने वाले भी हैं कि भारत में जब हम विकास की बात करते हैं तो उस विकास की रफ्तार और उसके चक्कों में ये कुरीतियां जैसे लिपट सी जाती है और वह रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है। तो पहले इन कुरीतियों को दूर करना होगा, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी, तो बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 999-0599-05 पर आज ही कॉल करें और पाए ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी NH-65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH-65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी।
जल्दी क्या है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं, ये सवाल समाज पूछ रहा है, ये सवाल हर वो शख्स पूछना चाहता है जो विकास को चाहता है कि विकास बढ़ जाए भारत में, जो चाहता है हमारा समाज पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़े, क्योंकि जल्दबाजी जो करते हैं लोग बच्चों की शादी को लेकर, वो जरूर सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए, उनके खिलाफ कड़े कानूनी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। राकेश जी हमारे साथ हैं और प्रवेश जी हमारे साथ हैं। प्रवेश जी एक बात बताइए कि जब हम समाज की बात करते हैं तो हम शिक्षा की के बारे में आपने जिक्र किया, लेकिन जब क्योंकि शिक्षा को दूर करना इनफैक्ट एक दिन का काम नहीं है, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो क्या तब तक समाज में ये चीज़ें चलती रहेंगी या उसको रोकने के लिए कानूनी जो व्यवस्था है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? कानून तो मजबूत है ही पहले से, कानून में कोई वो नहीं है कमी, बस मैंने पहले भी कहा था जागरूकता की कमी है इसके लिए ना। अब लोगों को यही नहीं पता कि भाई इसको रोका कैसे जा सकता है या ये काम गलत है। अब जहाँ पे आती है शिक्षा की, जो आप बात कहते हैं शिक्षा से, क्या आप जहाँ भी शहरों में देखोगे, जहाँ पे एजुकेशन डेवलप हो चुकी है, जहाँ पे लोग एजुकेटेड हैं, आप किसी भी शहर में, मेट्रो शहर में, किसी भी शहर में आप सुनेंगे नहीं इस तरह की घटनाएं होती हैं। पर आप इसके अलावा कहीं सलम एरिया में पता करेंगे कि सलम एरिया के ना लोग जागरूक है ना वो पढ़े लिखे हैं, वो तो बच्चों की शादियां पहले ही करके फंक्शन भी उसका बाद में करते हैं, उनको तो लोगों को यही नहीं पता होता कि इनके यहाँ शादी हो रही है या क्या कर रहे हैं लोग। तो सबसे ज्यादा पहले जागरूकता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बी एस दहिया जी पूर्व डीजी हैं हेल्थ के, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। दहिया साहब स्वागत है आपका। हाँ जी, एक बात बताइए कि बाल विवाह में अगर हम फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो क्या क्या परेशानी होती है लड़का और लड़की दोनों के लिए? देखिए बात ये है कि बाल विवाह या जो अर्ली मैरिज है वो डेफिनेटली बॉडीली फिजिकली और इमोशनली साइकोलॉजिकल लड़का या लड़की, खासतौर लड़की का दे आर एनाटॉमिकली इस प्रकार से वो नहीं डेवलप हुए होते हैं। द गर्ल इज नॉट प्रिपेयर to be for an marriage means mother also and for all practical purposes ये बिल्कुल ही bodily, physically, psychologically वो नहीं उस लायक है, तो ये बिल्कुल ही गलत है ये बाल विवाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बाल विवाह कैसे फिजिकल और यानी कि शारीरिक तौर पर, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटली, साइकोलॉजिकली और इट इज अननेचुरल। आप अभी वो खुद ही बच्चा है तो वो क्या हुआ, वो शादी के लायक कैसे हो जाएगा? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शादी के लायक कैसे हो जाएगा? राकेश जी एक बात बताइए कि हम इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर अगर हम चर्चा करें तो फिजिकल एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, लेकिन समाज के दृष्टिकोण से भी अगर देखें कि हम अगर ये चाहते हैं कि एक परिपक्व समाज हम तैयार करें, एक ऐसा समाज तैयार करें जिसमें सब कुछ बैलेंस्ड होकर चले, तो क्या मेंटली बच्चा, जो अभी पूर्व डीजी हेल्थ के दहिया साहब जुड़े थे वो कह रहे थे, जिस तरफ इशारा करते हैं कि दोनों क्या इस बात के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि उनकी शादी पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़े, या उनका बचपना ही नहीं गया होता है और उनके मेंटली वो उतने डेवलप नहीं हुए होते हैं कि उनको पता हो फैमिली कैसे आगे बढ़ानी है, प्लानिंग कैसे करनी है? मेंटली और फिजिकली दो वर्ड इन्होंने बताया, दोनों वर्ड्स के ऊपर अगर हम देखें तो मेंटली जो बच्चा है, मेंटली जो कानूनी तौर पे जो कि पूरी तरह से मैच्योर नहीं है उसकी हम शादी कर देते हैं, शादी करने के बाद में वो अपनी जिंदगी को, उसको पता ही नहीं है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। दूसरी बात एक और भी है, जैसे हम कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल, बच्चों के बारे में उसे ये नहीं पता कि जब आप शादी हो जाती है साथ रहेंगे तो एक छोटी उम्र में बच्चा हो गया, उसके बाद में मान लो एक दो साल बाद फिर बच्चे हो गए, ऐसे करके मान लो 5-6 बच्चे हो गए, जब वो 20-25 साल का जब पता होता है खुद आदमी, तब उसे पता चलता है कि मेरे 6 बच्चे हो गए, और फिर उनको अच्छी तरह से एजुकेट करना, उनको अच्छा खाना देना या शारीरिक रूप से बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना, तब उसको समझ आता है कि मेरी बचपन में जो उसकी शादी हुई है, तो एक तो मेंटली इस तरीके से भी मतलब परिवार को कैसे चलाना है उसको नहीं पता, दूसरा
फिजिकली एक जो छोटी बच्ची है उसकी शादी अगर होती है और छोटी उम्र में माँ बनती है तो फिजिकली भी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। तो फिजिकली जब माँ कमजोर हो जाएगी तो उसकी जहाँ एक अंदर की स्ट्रांगनेस है या बच्चे को किस तरह से एजुकेशन देनी है वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है तो वो बच्चों को भी एजुकेट नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस को देखते हुए बच्चे को मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए, फिजिकली भी प्रिपेयर होना चाहिए और दोनों की जो मेच्योरिटी पे जो शादी सरकार ने कानून में लिखा है कि 18 साल या 21 साल की एज होनी चाहिए कि 18 की जो है वो लड़की की उम्र 18 होनी चाहिए और 21 साल की लड़के की जो है मेच्योरिटी एज है, इन दोनों की जब हम शादी करते हैं तो कानून जो बनाते हैं बनाए हैं वो हमारे जो प्रतिनिधि बैठे हैं संसद में उन्होंने जो बनाया है कानून तो उस कानून को देखते हुए भी और उन्होंने जो बनाया वो मेंटली मैच्योरिटी और फिर नेचुरली हर तरह से देखते हुए कानून बनाया है वो मिनिमम डिसाइड की गई है। प्रवेश जी क्योंकि आप समाज को बहुत करीब से देख रहे हैं इसलिए मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि इन सारी तकलीफों के साथ फिजिकल हमने बात कर ली, मेंटल हमने बात कर ली, सोशली भी कितना मुश्किल होता है क्योंकि जब ये दो लोगों की शादी होती है तो सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं होती, दो परिवारों का को जोड़ने वाला ये काम होता है। तो ऐसे में लड़का और लड़की क्या दोनों इतने प्रिपेयर्ड होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं कि एक दूसरे की फीलिंग, दूसरे के वैल्यूज को, एक दूसरे की फैमिली को, उनके रिलेशनशिप्स को वो आगे ले जा सके उस मैच्योरिटी के साथ और ऐसा नहीं होने पर झगड़ा नहीं बढ़ जाएगा? देखो जी एक छोटा सा उदाहरण है, जो बचपन होता है वो एक कच्चे घड़े की तरह होता है, जैसे कच्चे घड़े को बनाने वाला कुम्हार उसको किसी भी रूप में ढाल देता है ऐसे ही बच्चा भी बचपन जो है वो भी कच्चे घड़े की तरह है, उनके माता पिता उनका परिवार जिस रूप में उनको ढालना चाहे वो उसमें ढल जाते हैं, उनको इस चीज का पता ही नहीं होता। जब उनको बता देते हैं कि भाई आपकी शादी हो रही है तो उन बच्चों को यही वो भी खेल नजर आता है उनको कि हमारी शादी हो रही है, उनको पता ही नहीं है कि इसके बाद क्या होना है। और वही है कि उसमें बच्ची माँ बनती है ऐसे बचपने में और वो बच्चा बाप बनता है लड़का, तो वो ना अपने परिवार का चला सकते हैं ना उन अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनका भी नुकसान बहुत ज्यादा करते हैं, आने वाली पीढ़ियों का भी नुकसान बहुत ज्यादा होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात और अपना वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो समाज के सामने खड़ा है कि सुरसा सा मुंह बाए कि आखिर कब तक ये होता रहेगा, और अगर ऐसा होता रहा तो समाज के जिस हम विकास की बात करते हैं, सोशली मेंटली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो कैसे हो पाएगा, वो सपना साकार कैसे होगा? तो इन कुरीतियों को रोकना होगा। फिलहाल इतना ही, जाते जाते नजर अब तक की सुर